मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो एक सबसे बड़ी चीज को इग्नोर किया जाता है वो होता है आपका रिपीटेड कस्टमर। आपका बिजनेस कभी भी नए कस्टमर्स पे सर्वाइव नहीं कर सकता। नए कस्टमर्स आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, लेकिन अगर आपके बिजनेस को आपको अपने बिजनेस को स्टेबल करना है, उसको सस्टेन रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो आपको रिपीटेड कस्टमर की जरूरत होती है। रिपीटेड कस्टमर्स में आपके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो आपकी जो उसको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो नील होती है, क्योंकि पहले ही आप उसको कन्वर्ट कर चुके हो। जब वो आपको रिपीट में आता है तो आपको उसको बेचने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट्स और पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। और एक आपको ये चीज होती है कि आपको इतना बिजनेस तो हर मंथली ईयरली बेसिस पे आपके रिपीट कस्टमर से आ ही रहा है, तो इतना फंड, इतना रेवेन्यू तो आप जनरेट करते ही हो, तो आपको एक मार्केटिंग बजट वहां पे बनाने में मदद मिलती है। और आप जब नए कस्टमर्स को भी जोड़ने में आपको मदद मिलती है, क्योंकि वो पैसा आपके पास आ रहा है। तो जो सबसे मेन चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ के रखने की कोशिश करनी है। और ये बहुत बिजनेस गलती करते हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, वो छोटी छोटी चीजों के लिए कस्टमर्स के साथ क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको जो रिपीटेड कस्टमर हैं उनके साथ जुड़े रहने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपके पास नए कस्टमर ना भी जुड़ रहे हो और आप अपने पुराने कस्टमर्स को भी सस्टेन रख रहे हो, तो भी आप अपने बिजनेस को सर्वाइव करने में आपको बहुत मदद मिलेगी।